स्टूडेंट, मैं राजेश पांडे एक बार फिर आपके साथ फंक्शन का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। फंक्शन का नया टॉपिक आपका है पासिंग पैरामीटर ऑफ फंक्शन। पासिंग पैरामीटर ऑफ फंक्शन स्टडी करने से पहले हम कुछ दो तीन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिनका यूज़ है हमारे पासिंग पैरामीटर फंक्शंस में। तो पहला टॉपिक जो आपका है वो है फंक्शन की डेफिनेशन, एंड सेकेंड वन टॉपिक जो आपका पहला टॉपिक क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक जो आपका है वो है कॉलिंग फंक्शन। नेक्स्ट वन जो आपका क्या है, कॉलिंग फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन, अगर हम ये दोनों डिस्कस, वैसे ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका था कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, हाउ टू कॉलिंग अ फंक्शन। तो हियर आपको सपोज दैट वी इंप्लीमेंट अ फंक्शन, सपोज दैट एड एक टाइप का फंक्शन है जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई दो वेरिएबल में डिफाइन किए। दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये आपका क्या डिफाइन करेगा, ये कहलाता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये कहलाएगा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और जब इस फंक्शन को कहीं पर कॉल करेंगे, जैसे सपोज हमने उसी फंक्शन को कॉल किया, तो दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। और हमेशा कॉलिंग ऑफ फंक्शन हमारा कहाँ होता है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन हमारा होता है मेन फंक्शन के अंदर। तो ये तो टॉपिक जो आपके हैं ये डिस्कस होना चाहिए। दूसरा टॉपिक क्या है, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर, तो एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, द पैरामीटर्स पास टू द फंक्शन, यानी अगर सपोज मैंने, और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, द पैरामीटर्स रिसीव्ड बाय अ फंक्शन, यानी अगर हमने कोई फंक्शन इंप्लीमेंट किया है, सपोज दैट हमने कोई फंक्शन इंप्लीमेंट किया, ऐड फंक्शन इंप्लीमेंट किया, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और मैंने यहाँ पर लिखा इंट सी, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड देन क्लोज, और हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, वाइट कर दिया, वाइट कर दिया। और मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30, मैंने क्या लिखा, ऐड a कामा b, और फंक्शन कॉल कर लिया। फंक्शन कॉल करने जो वेरिएबल हमारे किसके अंदर डिफाइन करेंगे, कॉल करेंगे हम इसको, कॉल करेंगे किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। किसके अंदर कॉल करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर। मैंने ये भी, अब जो क्या लिखा है, द पैरामीटर्स पास टू द फंक्शन, यानी जो फंक्शन जहाँ कॉल कर, कौन ये फंक्शन जहाँ पर हम फंक्शन कॉल करते हैं, ये वेरिएबल क्या होंगे, पास हो जाएंगे। ए कहाँ पास होगा, एक्स के लिए, और बी कहाँ पास होगा, बी के वाई के लिए। तो दीज फंक्शन, यानी जो फंक्शन द पैरामीटर पास टू द फंक्शन, जो पैरामीटर फंक्शन को पास्ड किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर। और इसे हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। एंड द पैरामीटर रिसीव बाय फंक्शन, एंड जो पैरामीटर रिसीव करें, रिसीव कौन कर रहा है, फंक्शन डेफिनेशन में, तो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। ये पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, ये कौन सा, एक्चुअल पैरामीटर, यानी जो, या कह सकते हैं जो पास करता है और यानी जो सेंड करता है, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर, और जो रिसीव करेगा, दिस फंक्शन आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, पासिंग पैरामीटर फंक्शन टेक्निक क्या होती है, पासिंग पैरामीटर टेक्निक दो तरीके होती हैं, एक होती है क्या, कॉल बाय वैल्यू, और दूसरी कौन सी होती है, कॉल बाय रेफरेंस। अब इसको हम देखो इस तरीके से समझते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल देते हैं। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया, देखिए अगर कोई फंक्शन कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस का होना है, तो फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, टेक समथिंग की कंडीशन का होना चाहिए, यानी ये पैरामीटर्स हमारे पास होंगे। अगर हम कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस से प्रोग्राम करते हैं, तो कॉल बाय वैल्यू में हमारा क्या होगा, ऑर्डिनरी वेरिएबल डिफाइन होंगे, कौन से होंगे, ऑर्डिनरी वेरिएबल डिफाइन होंगे, और इसमें क्या होंगे, पॉइंटर वेरिएबल। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होंगे, पॉइंटर वेरिएबल, कॉल बाय वैल्यू में क्या होंगे, ऑर्डिनरी वेरिएबल, यानी ये हमारे पास है। और हमने क्या लिखा, सपोज है मैंने लिख दिया क्या, इंट जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और प्रिंट क्या कर दिया मैंने, सपोज मैंने प्रिंट कर दिया
जेड, और फिर मैंने क्या लिखा, मेन फंक्शन लिखा, और मैंने लिखा क्या, इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, फिर मैंने फंक्शन क्या कर लिया, कॉल कर लिया, क्या लिखा, ए कामा बी, ये प्रोग्राम बना, ये बना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन कौन सा कॉल किया गया, ऐड फंक्शन कॉल किया, ये वेरिएबल कहाँ जाएगा, एक्स के पास, ये वेरिएबल कहाँ जाएगा, वाई के पास, ठीक। यानी अगर ये क्या कर रहा है, एक्चुअल पैरामीटर की डायरेक्ट वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 10, ये कहाँ हो जाएगी, एक्स पे, वाई की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 20, बी में कितना हो जाएगा 20, यानी क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू को कॉल कर रहा है। तो दीज आर द वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू, यानी जो हमें डायरेक्ट वैल्यू को कॉल करें, या हम कह सकते हैं कॉल वैल्यू क्या है, हियर वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर विल बी कॉपी टू फॉर्मर पैरामीटर, क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या है 20, 10 और 20, ये क्या हो गया, सीधा जाके आप ये कहाँ हो जाएगा, फॉर्मर पैरामीटर में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, फॉर्मर पैरामीटर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, विल बी कॉपीड टू द फॉर्मर पैरामीटर्स एंड दीज टू डिफरेंट पैरामीटर्स स्टोर वैल्यू इन डिफरेंट लोकेशन। अगर आप सपोज देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, अब सपोज दैट मैंने मान लीजिए लिखा एक वेरिएबल ऐड बनाया और लिखा, या कोई वेरिएबल बना सकते हैं, कोई पैरामीटर दे देते हैं, इंट ए कमा इंट बी, या एग्जांपल, हाँ ठीक, हम यहाँ करते हैं, और हमने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर, ए की वैल्यू मैंने यहाँ 20 कर दी, बी की वैल्यू मैंने यहाँ 10 कर दी, एग्जांपल 30 कर दी, 20 कर दी, एग्जांपल, ठीक। और फिर अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मैंने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, इंट एक्स इज इक्वल टू, या ए इज इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 30, ए इज इक्वल टू 30, और बी इज इक्वल टू 40, बी इज इक्वल टू 40, और मैंने क्या किया, यहीं पर ऐड फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया, ये काम है। देखिए तो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा है, हियर द वैल्यू आर वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर पैरामीटर विल बी कॉपी टू द फॉर्मर पैरामीटर्स एंड दीज टू डिफरेंट पैरामीटर्स स्टोर इन द वैल्यू डिफरेंट लोकेशंस। यानी ये अपना एक अदर फंक्शन है, ये अपना एक अदर फंक्शन है, ये इसके क्या है, लोकल वेरिएबल है। जैसे ही फंक्शन कॉल करेगा, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी जाएगी 30, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी जाएगी 40, लेकिन देखो यहाँ पर, ये देखो अगर हम इसको शो करें तो यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल मैंने लिया ए, ए की वैल्यू कितनी है 30, इसमें बी की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ पर जैसे क्या, अब यहाँ पर क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी है 30, और बी की वैल्यू कितनी है 20, बी वैल्यू कितनी है 20, लेकिन जैसे ही ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल है। और जैसे ही यहाँ पर कुछ आएगा, जैसे ही यहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, हमारी वैल्यू प्रिंट होगी एज इक्वल टू कितना 30, और बी इक्वल टू कितना होगा 40। यानी अगर हम फंक्शन ऑफ डेफिनेशन जब कॉलिंग कॉल वैल्यू में करते हैं, अगर हम फंक्शन ऑफ डेफिनेशन में कोई भी फॉर्मल पैरामीटर में अगर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज मतलब ये हमारा है कॉल वैल्यू में। कॉल वैल्यू में क्या है कि बोथ पैरामीटर्स हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी में स्टोर होते हैं, और अगर हम फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज भी करते हैं तो हमें एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात ठीक, तो कॉल बाय वैल्यू होगी। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, कॉल बाय रेफरेंस में कैसे करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, हियर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रिफर द सेम मेमोरी लोकेशन, देयरफॉर एनी चेंज इन मेड इन द फॉर्मल पैरामीटर्स विल गेट रिफ्लेक्टेड टू द एक्चुअल पैरामीटर्स। अभी उसमें क्या था, उसमें था क्या था, उसमें था कि हमारे पास अगर फॉर्मल पैरामीटर पर कोई भी चेंजेस करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर पे कोई भी डिफरेंस इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मल कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस में होगा कि हमें क्या, कि अगर हम कोई भी चेंजेस हम फॉर्मल पैरामीटर में करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर पे भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अब जो फॉर्मल पैरामीटर होता है वो एक्चुअल पैरामीटर होता है, यानी कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अगर हम जब हम कॉल बाय वैल्यू की बात करेंगे
तो हम केवल पैरामीटर के एक्चुअल वैल्यू की बात करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू ना पास होकर क्या पास होगा, एड्रेस पास होगा। और एड्रेस पास करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल यूज़ करना पड़ता है। एक तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा इंट या ए इंट बी, और यह फंक्शन क्या है, ऐड है, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या लगाया, वाई टाइप का लगा दिया, क्या लगा दिया, वाई टाइप का लगा दिया। और हमने यहाँ पर क्या लिखा इंट सी, हमने क्या लिखा सी इज इक्वल टू क्या लिख दिया ए प्लस बी, यहाँ पर प्रिंट कर दिया क्या, प्रिंट क्या कर दिया परसेंटाइल डी कॉमा सी, ठीक। और फिर मैंने क्या किया, मेन फंक्शन कॉल कर, मेन फंक्शन डिफाइन किया, मेन फंक्शन डिफाइन किया, दो वेरिएबल लिए, इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। और फिर मैंने कॉल कर लिया क्या फंक्शन, ऐड ए कॉमा बी, ये हो गया फंक्शन, ठीक। तो ये फंक्शन, अब देखो ये ए कहाँ जा रहा है, ए पे, बी कहाँ जा रहा है, बी पे। अब यहाँ से वैल्यू क्या मिली, 10, 20, ठीक। यहाँ पर कोई वैल्यू डिफाइन हो उसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई वैल्यू डिफाइन हो कोई डिफरेंस, जैसे ही एक्चुअल पैरामीटर जाएगा, एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बी कितना, यानी ए की वैल्यू कहाँ जा रही है, यानी ये एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कहाँ जा रही है, फॉर्मल पैरामीटर में। अगर हम सीधा वैल्यू कॉपी करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि हमें वैल्यू ना कॉल करके क्या करना पड़ेगा, एड्रेस कॉल करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ए मतलब ए का एड्रेस, एड्रेस ऑफ बी मतलब बी का एड्रेस। और जैसे ही एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी फॉर्मल पैरामीटर में जाएगा, तो हम यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, जिसे कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल, जिसे क्या कहते हैं पॉइंटर, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंटर, तो पॉइंटर ऑफ सी इज इक्वल टू, क्या हम सी को पॉइंटर यूज कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू पॉइंटर ऑफ ए पॉइंटर ऑफ बी, सी इज इक्वल टू पॉइंटर ऑफ ए पॉइंटर ऑफ बी। अब ये पॉइंटर ऑफ ए पॉइंटर ऑफ, पॉइंटर क्या होता है, इसे बोलते हैं एड रेफरेंस वेरिएबल, इसे क्या बोलते हैं डी रेफरेंस वेरिएबल। इस तरह का डी रेफरेंस सिंबल होता है, रेफरेंस मतलब वैल्यू के एड्रेस को प्रिंट करना, वैल्यू लेके क्या कर देगा, एड्रेस को प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू 10 करते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 10 है और एड्रेस कितना है 1000, और अगर हम प्रिंट करें परसेंटाइल डी कामा एड्रेस ऑफ ए, परसेंटाइल डी कामा एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पर भी प्रिंट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ना ए की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्या प्रिंट होगा, यानी वैल्यू 10 जाएगी, ठीक। ये प्रिंट क्या होगा, यानी वैल्यू लेके एड्रेस को प्रिंट करना क्या होता है, रेफरेंस एड्रेस, रेफरेंस पॉइंटर होता है, रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस पर ऑपरेटर होता है। डी रेफरेंसिंग क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 10 लिखा, मैं यहाँ पर लिख देता क्या, प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी पॉइंटर ऑफ ए, तो पॉइंटर ऑफ ए क्या करेगा, ए क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ ए, यहाँ यहाँ पी लिख सकते हैं, पी क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ ए, पी एड्रेस ऑफ ए स्टोर करेगा, एस्ट्रिक ऑफ पी क्या करेगा, एस्ट्रिक ऑफ पी क्या करेगा, एड्रेस ऑफ ए को तो लेगा लेकिन प्रिंट क्या करेगा 10, यानी आउटपुट क्या करता है, यानी दूसरा क्या करता है, एड्रेस ले के वैल्यू देता है, यानी पॉइंटर क्या करेगा, इस पॉइंटर का मतलब ये होता है कि स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, किसी अदर वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना, एड्रेस को स्टोर करना क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है। तो यानी हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ही हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पर क्या कहता है, हियर वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर विल बी कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर, ये तो सॉरी कॉल बाय वैल्यू होगी, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, हियर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रिफर्स टू सेम मेमोरी लोकेशन, उसमें क्या था, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, इसमें सेम मेमोरी लोकेशंस होगा, देयरफॉर एनी चेंजेज मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर, एनी चेंजेज मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स विल गेट रिफ्लेक्ट टू द, सपोज दैट मैंने बनाया कोई भी बना लिया, मान लीजिए फंक्शन बनाया मैंने कोई भी, ठीक, फंक्शन बना लिया मैंने, और फंक्शन में मैंने क्या लिखा, पॉइंटर ऑफ पी या कोई भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर दे सकते हैं मान लीजिए इंटीजर पॉइंटर पी कॉमा इंटीजर पॉइंटर क्यू, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर मान लीजिए 20 दे दिया और पॉइंटर ऑफ क्यू मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने 30, ठीक। अब जो भी हो, अब हमने यहाँ पर
दूसरा जो मेन फंक्शन में जाएंगे, तो मेन फंक्शन में क्या करा मैंने, सॉरी यहाँ पर लिखा मैंने मेन, मेन में क्या करेंगे यहाँ पढ़ सकते हैं, मेन मेन में मैंने क्या लिखा, p इज इक्वल टू 30 और q इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा 20 लिखा, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फंक्शन को कॉल किया, ये फ्यू में कॉल किया, एड्रेस ऑफ p का एड्रेस ऑफ q। अब देखो, अब सबसे पहले यहाँ पर जब क्या होगा, तो मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, जो हमें एक्चुअल यहाँ एक्चुअल पैरामीटर में, यानी एक वेरिएबल है p और दूसरा वेरिएबल क्या है q। p की वैल्यू कितनी है 30 स्टोर कर रहा है और q की वैल्यू कितनी है 20 स्टोर कर रहा है। मान लीजिए p का एड्रेस है 100 और q का एड्रेस कितना है 104, कुछ भी एड्रेस, ठीक। तो ये p एड्रेस ऑफ p, यानी यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर 100 जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 400 जाएगा, 104 जाएगा, यहाँ पर गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर गया, अब दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर एस्ट्रिक ऑफ पी और नहीं, यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रिक ऑफ पी एस्ट्रिक ऑफ क्यू, एस्ट्रिक ऑफ पी का स्टोर करेगा पी का एड्रेस यानी कि 1000, ठीक, और एस्ट्रिक ऑफ क्यू का स्टोर करेगा क्यू का एड्रेस यानी कि 104 स्टोर किया। लेकिन इसमें क्या है, एस्ट्रिक ऑफ पी में क्या है 20, यानी जैसे ही एस्ट्रिक ऑफ पी में जाएगा तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि मेमोरी में सेम लोकेशन है, तो पी में क्या स्टोर हो जाएगा, अब 30 जाएगा स्टोर हो जाएगा 20 हो जाएगा, 30 जाएगा स्टोर हो जाएगा 20 हो जाएगा, और पी में क्या, क्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, 20 जगह क्या स्टोर हो जाएगा 30 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 30 दिया है। यानी अगर हम कोई भी चेंजेस, एक्चुअल पैरामीटर क्या थे 30-20 थे और पैरामीटर क्या थे 20-30 थे, यानी अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमें उस पर रिफ्लेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेम मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी क्या थी 30-20, अब क्या है 20-30, यानी पी और क्यू अगर स्टोर करें प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा 20 और 30। तो यही डिफरेंस है इसमें, कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय रेफरेंस में। यानी अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस करेंगे, क्योंकि एड्रेस मेमोरी लोकेशन क्या है सेम है, जब एड्रेस मेमोरी लोकेशन सेम है तो वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी सेम स्टोर हो जाएगी, मतलब डिफरेंस हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल पैरामीटर में क्या है, एक्चुअल पैरामीटर में हमारे पास मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होते हैं, यानी अगर हम कोई भी फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो देयर इज नो इफेक्ट इन द एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस में होगा कि अगर हम, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, अगर सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर पे हमारे पास क्या हो जाएगा चेंजेस हो जाएंगे। अगर फॉर्मल पैरामीटर कोई भी चेंज किए तो एक्चुअल पैरामीटर में हमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मेमोरी लोकेशन सेम है, ठीक। तो एग्जांपल देखते हैं पहले कॉल बाय वैल्यू का, देन इसके बाद डिस्कस करेंगे हम कॉल बाय रेफरेंस का। तो कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल देते हैं, सपोज मुझे दो नंबर ऐड ही करने हैं, तो मैंने क्या किया, ऐड का प्रोग्राम बना लिया, ऐड का फंक्शन बना लिया। और याद रखिएगा, जब कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस का होगा तो फंक्शन हमारा हमेशा किस कैटेगरी का होगा, टेक समथिंग कैटेगरी का होगा। तो मैंने क्या बनाया, ऐड, दो वेरिएबल पास कर दिए, इंट ए कमा इंट बी, और वो किस टाइप का है, मान लीजिए वाई टाइप। फिर मैंने, क्योंकि फंक्शन ऐड करने के लिए क्या होता है, मान लीजिए ए सी इज इक्वल टू क्या दिया है ए प्लस बी, डिजायर इनपुट, इनपुट वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंट सी, फिर सी इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा ए प्लस बी, क्योंकि रिटर्न टाइप का नहीं तो ये प्रिंट कर दीजिए, रिटर्न टाइप का नहीं है तो क्या कर देंगे परसेंटाइल डी कम सी। दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन को कॉल करना, तो इसके पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन होगी, फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाइड एड इंट कमा इंट, ठीक। और इसके ऊपर हम क्या रिफाइन करेंगे, हेडर फाइल्स, दो सौ हमारे हेडर फाइल्स हमें दीजिएगा, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग अटैच, हैज इंक्लूड कनेक्ट अटैच। अब इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, कॉल करना, और कॉल कहाँ करने है फंक्शन को, मेन फंक्शन के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, वाइड मेन, कितने पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स हैं,
दो पैरामीटर, कोई दो पैरामीटर लिख दीजिए, मैंने लिख दिया इंट एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। तो क्या फंक्शन कॉल किया, ऐड जो पैरामीटर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सेम पैरामीटर भेज सकते हैं और डिफरेंट पैरामीटर भेज सकते हैं, वही भेज सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, ठीक। एक्स कॉमा वाई एंड देन गेट सी एच और ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द कॉल बाय वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या एक्चुअल वैल्यू कहाँ जाएगी, कहाँ पे होके फॉरन पैरामीटर में, एक्स की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 पहुँच जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी है 20 है तो यहाँ पर 20 पहुँच जाएगा, ठीक। एक्स की वैल्यू 10 20 यहाँ पर मिलेगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर मिल जाएगा क्या, सी इज इक्वल टू 30। ये हुआ कॉल बाय वैल्यू का। अब कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं, तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन की बात करते हैं, तो कॉल बाय रेफरेंस, देखिए कॉल बाय वैल्यू तो आपको समझ में आ गया, क्या कॉल कॉल बाय वैल्यू समझ में आ गया आपको, यानी एक्चुअल पैरामीटर कहाँ जाएंगे, फॉरेन पैरामीटर, ठीक। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या, वैल्यू में कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, एड्रेस को कॉल करेंगे। कॉल बाय वैल्यू में क्या करेंगे, इसी फंक्शन को प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका कॉल बाय वैल्यू का क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने क्या बनाया, एड इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर क्या था, एड कोई कोई स्पेशल वेरिएबल डिफाइन, यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल वेरिएबल यानी स्पेशल पॉइंटर ऑफ ए कॉमा इंटीजर पॉइंटर ऑफ बी। फिर मैंने एक लिया क्या इंट सी, सी इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, पॉइंटर ऑफ ए प्लस पॉइंटर ऑफ बी, किस टाइप का है, रिटर्न नथिंग टाइप का है। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी कॉमा सी, ये हो गया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऐड फंक्शन, किसके थ्रू बना, पॉइंटर अवेलेबल के थ्रू ना। अब इसको डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाइड ऐड इंट, और इंटीजर किस टाइप का है, पॉइंटर वाइड यानी पॉइंटर इंट पॉइंटर, क्लियर सही। अब इसको क्या करना, कॉल करना, कॉल कहाँ करेंगे, वाइड नेम, मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20। फिर मैंने कॉल किया क्या, एड एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई एंड देन गेट सी एच और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आपका सिंपल, अब वैल्यू नहीं क्या जाएगा, जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि एक्स वेरिएबल है, एक क्या है वाई वेरिएबल है, एक्स में 10 है वाई में 20 है, एक्स का एड्रेस कितना है 1000, वाई का एड्रेस कितना है 1001 एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर एक्स की क्या जाएगा 100 कहाँ जाएगा, पॉइंटर पे जाएगा, जैसे पॉइंटर पे जाएगा तो क्या करेगा, 1000 किस में कन्वर्ट कर देगा, 10 में कन्वर्ट कर देगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 20 में कन्वर्ट कर देगा, आंसर कितना आएगा 30, यानी कॉल बाय रेफरेंस से थ्रू जाएगा। तो दिस इज द कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस हम क्या करते हैं, एड्रेस को ना कॉल करके, एक्चुअल पैरामीटर ना कॉल करके, एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू ना कॉल करके क्या करेंगे, एड्रेस को कॉल करेंगे, और एड्रेस में आपका हमेशा पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी क्या होती है, सेम होती है, ठीक। तो बेसिकली हमारा ये था कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में सिंपल सा एक बात समझिएगा कि कॉल बाय वैल्यू में आपके पास फार्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, इसलिए अगर हम फार्मल पैरामीटर में कोई इफेक्ट करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कॉल बाय रेफरेंस में जाते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस हमारा फार्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, इसलिए अगर हम फार्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर पे इफेक्ट करेगा। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए, खुद करिए और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक और एग्जांपल कॉल बाय वैल्यू का, कॉल बाय रेफरेंस का एक अलग से एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।